चलिए बच्चा लोग, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे बेसिक मैथ्स का, ठीक है। एंड आई गेस दिस इज लेक्चर नंबर एट फॉर बेसिक मैथ्स। एंड उतना टफ पार्ट नहीं है, अब हम लोग इजी वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा काम नहीं होगा हमारे लिए, बस सिंपल सिंपल सॉल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे, हो जाएगा आराम से। सबसे पहले तो जो हमारा इंटीग्रेशन का एक पार्ट तो हम लोग देख लिए थे राइट साइड में, दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग को मैं ये जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ना, एक कॉन्स्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, दो ऐड हो रहा हो, दो सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरफ है सेकेंड वाला पार्ट, फटाफट से पहले तो लिख लो, पॉज करो, लिख लो, हो गया। चलो ये देखो, वापस उसी तरह से u एंड v टू नंबर्स, व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ x डिपेंडेंट एंड टू वेरिएबल्स, और u में से टू इक्वेशंस या किसी भी तरीके का कोई दो चीज ऐड हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, एंड देन होल ऑफ इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड, ठीक है। माइंडेड अगेन, u एंड v आर इन टर्म्स ऑफ x, सो दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम, इफ दिस टू आर सेम देन यू कैन श्योरली बी इंटीग्रेटिंग इट। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डूइंग इट कि आप उसको स्प्लिट करेंगे दो अलग अलग पार्ट में, द फर्स्ट पार्ट विल बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली एंड द अदर पार्ट विल बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लिए और अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए, एंड दिस प्लस माइनस इज सब्स्टिट्यूटेड इन द सेम वे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो वहां भी माइनस होगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, डिफरेंशिएशन में भी देखे थे, वहां क्या किए थे, constant was just taken outside and the rest of it was differentiated, differentiation mein here constant is just taken outside and rest of it is being integrated, same hi kuch alag nahi. Next here a is constant, mind it aap log dekh chuke hain bdx of any constant is zero, yaad aa raha constant ko differentiate karte the zero aata tha, उसी तरह ये भी याद आ रहा होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन मीन्स अ कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन मीन्स अ कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे आप सोचो डी डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल वाज सिंपली अ कॉन्स्टेंट विच वाज कोएफिशिएंट, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू वन, तो If the answer was just the coefficient, तो constant बाहर आ रहा था और बाकी integrate differentiate होके one हो जा रहा था, जो constant था वही बचता था। तो in the same way, और you may say just opposite to it, when simply a constant is integrated, सिर्फ इसी को integrate करेंगे, then you must be getting this, means कि constant के साथ एक variable भी जुड़ जाएगा जिसके साथ आप integrate कर रहे हो with the power of one. ADX is simply AX plus C. Mind it, ये C तो हमेशा ही लाना है, हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो this was simply integration. आगे देखते हैं, example देखेंगे, जब definite integration देखेंगे तो हमें integration भी करना होगा एंड साथ में हम definite वाला part देखेंगे, what is definite integration? Definite integration वापस से एक ऐसा integration है where you know the limits of that variable. आपको पता है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन उसी को बोलते हैं जिस इंटीग्रेशन में आपको पता होता है कि ये जो एक्स है यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसका वैल्यू किस रेंज में होगा, कहां से कहां तक होगा। अगर आपको वो रेंज पता है कि कहां से कहां तक होगा, देन द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यू विल बी डूइंग इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड माइंड इट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, सबसे पहले दिस ए एंड बी आर लिमिट्स, लिमिट्स इज नथिंग बट द रेंज, a is lower limit, lower limit, and b is upper limit, ठीक है, a is lower limit and b is upper limit. Next is lower limit को हमेशा नीचे लिखते हैं, upper limit को ऊपर लिखते हैं, इसको जब integrate किए तो ऐसा कुछ equation आया, देखें यहां example में इसको integrate करने पे कुछ ऐसा आया, and then you are putting the lower limit on the lower side and the upper limit on the upper side. Now put this upper limit at the place of this variable and solve the equation, then
put a minus sign. This is compulsory. ये हमेशा नहीं होगा. And again, put this lower limit at this value of x and just solve the equation. Then mind it, ये c और ये minus plus c. तो ये भी minus हो जाएगा. तो ये plus और ये minus कट जाएगा. बचेगा क्या? gb minus ga. This is the solution of your integration. Now let us see some example. Example number one. y is equal to 3x square plus 4x plus 6 and the limit of x is given as 0 to 10. कई बार limits नहीं दिया होता, ठीक है? तो जहां limit नहीं दिया होगा ना, वहां आपको सोचना होगा कि इसका limit क्या हो सकता है. For example, if you are given to integrate this, y is equal to sin x and you are asked to do definite integration without giving you the limits. आपको ये limit नहीं दिया होगा और बोला जा रहा है कि इस equation का definite integration दीजिए. Then I guess in graphs we have studied साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है. दिस इज प्लस वन, दिस इज माइनस वन. तो यू आर वेरी क्लियरली सीइंग दिस फैक्ट दैट द लोअर लिमिट और यू में से द लोअर वैल्यू ऑफ दिस होल ग्राफ इज लोअर. क्या आप इसको लोएस्ट बोलो? लोएस्ट वैल्यू ऑफ द होल ग्राफ इज माइनस वन एंड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ दिस होल ग्राफ इज प्लस वन. तो यू विल बी इंटीग्रेटिंग इट बाई पुटिंग लोअर लिमिट एज माइनस वन एंड अपर लिमिट एज प्लस वन. बट अगर आपको दिया हुआ है then no need of thinking like all this. Just solve. तो देखो एक सॉल्व किए. सबसे पहले आप उसको इंटीग्रेट करते हो. जो भी इक्वेशन है उस पर लोअर और अपर लिमिट डाले और इंटीग्रेट किए. तो जब आप इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालकर इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर दो. देखो यहाँ पे थोड़ा ना इस लोअर और अपर लिमिट कुछ किए, उसको बस यहाँ लिख दिए. सिंपली अभी बस इंटीग्रेट किए. सीधा सीधा रूल के हिसाब से, अगर आपको रूल याद हो गया हो तो ठीक है, डायरेक्टली करते हैं. नहीं आया तो देखिए हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली. जो था कोएफिशिएंट उसको लिख दिए, पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिए. दो प्लस एक तीन बाई तीन. अब देखो ये तीन दिन कटेगा. नेक्स्ट फोर हू बहु लिख दिए कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल. अभी तो देखे थे कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल. कॉन्स्टेंट बाहर आता है, वेरिएबल इंटीग्रेट हो जाता है. फोर बाहर और वेरिएबल इंटीग्रेट होगा. वेरिएबल इंटीग्रेट होगा तो एक्स का पावर वन था, वन प्लस वन टू बाई टू. देखो ये हो जाएगा टू एंड सिक्स ओनली कॉन्स्टेंट. सब क्या जाएगा? एक्स. तो सिक्स एक्स जीरो से टेन. द होल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस. ये देखो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स जीरो से टेन. ऐसा हो गया. देखो तो यही इक्वेशन एक्स क्यूब. पहले तो अपर लिमिट डाले आप. अपर लिमिट डाले तो क्या होगा? एक्स क्यूब थाउजेंड प्लस टू इंटू एक्स का स्क्वायर. एक्स पे टेन डालेंगे तो हंड्रेड प्लस सिक्स इंटू एक्स टेन माइनस. अभी जीरो पुट करना है. जीरो पुट करोगे तो ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो माइनस. तो जो बचा यही तो आंसर आएगा. थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी. कोई दिक्कत? चलिए आगे. नेक्स्ट यू आर गेटिंग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. इसको आपको वापस से इंटीग्रेट करना है. तो जैसे ही आप वाई इज इक्वल टू साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइंड इट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है. ऐसा हम लोग देख चुके हैं माइनस कॉस एक्स. तो जैसे ही माइनस कॉस एक्स किए इंटीग्रेट इंटीग्रेशन और लोअर लिमिट डाले जीरो अपर लिमिट डाले पाई बाई टू. अच्छा यहाँ यूनिट लिखा है? नहीं लिखा. तो आप ऐसा ही सोचेंगे एंगल का ऐसा यूनिट इज रेडियन. मींस इट इज गिवन पाई बाई टू रेडियन एंड पाई बाई टू रेडियन इज श्योरली 90 डिग्री. पाई रेडियन 180 डिग्री, 180 बाई टू इज 90. समझ रहे हो? तो जीरो से 90 लिमिट हो गया. सबसे पहले अपर लिमिट पुट किए तो माइनस कॉस 90. ये तो पूरा जीरो होना. कॉस 90 क्या होता है? जीरो. माइनस, ये माइनस कहां से आया? यहां से है. देखो जो भी अपर लिमिट डाल के इक्वेशन लिखे थे एक्चुअली में, यहां देखो ना अपर लिमिट डाल के इक्वेशन लिखे माइनस. ये पहले से है वो माइनस डाले और फिर जी ए. तो ये जो इक्वेशन दोबारा से जी वाले में ही ए पुट किए हैं. ये जो इक्वेशन है इसी में लोअर लिमिट पुट किए हैं. तो कॉस जीरो लेकिन साथ में माइनस यहां भी तो है. तो फिर से माइनस कॉस जीरो. कॉस जीरो इज वन एंड दिस माइनस इज प्लस. तो ये तो जीरो ही हो गया. ये पूरा गया माइनस माइनस प्लस एंड कॉस जीरो इज वन. ठीक है. तो ये रहा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट विल बी डीलिंग विद लॉग. आई गेस 10-15 मिनट का टॉपिक है वो, देखते हैं लॉग. ठीक है चलिए. चलिए बाबू अब लॉग को भी देख ही लेते हैं. इसको भी खत्म करके आ जाएंगे. ठीक है. तो देखो लॉग लॉगरिथम. लॉग एक्चुअली में है क्या? तो लॉग इज जस्ट अ वे
या यू मे से log इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, अनदर वे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से log b टू द बेस a इज इक्वल टू c, इसको पढ़ते क्या है, देखो लिखती है साइड, पहली बार है log b टू द बेस a जो ये है इसको पहले पढ़ते हैं और फिर बेस बोलते हैं। दिस a इज बेस, log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। अब इसी को मुझे अगर कोई बोले कि नहीं सर इसे जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो जो बेस है उसी बेस को रखते हैं और जो आंसर उसको एक्सपोनेंट बना देते हैं। मतलब log बेस log b टू द बेस a इज इक्वल टू c को अगर आपको लिखना हो तो बेस क्या था a, a लिख दिए, उसके अलावा आंसर क्या था c, तो a का पावर c इज इक्वल टू जो log था उसको आंसर लिख दिया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो गया। तो यू कैन एनी टाइम कन्वर्ट दिस log फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज आस्क्ड यू कि log 25 टू द बेस 5 इज व्हाट, तो जस्ट थिंक ये जो बेस है उसको लिख दिए, आंसर निकालना है उसको x मान लिए पावर के फॉर्म में, इज इक्वल टू जो बेस था सॉरी जो log था उसको लिख दिए। तो 5x इज इक्वल टू 25 कब होता भाई, जब x का पावर कितना 2, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब log के फॉर्म देखो, ये हमेशा ही log अगर आप लिख रहे हो तो आपका ये 10 होगा, कितना होगा 10, बेस आपका कितना होगा 10, और ये जो भी log का वैल्यू आप देख रहे हो इस सब में बेस कितना 10, मतलब ये कि आप जो log याद रखते हो दैट इज बेस 10, ये 10 अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा इसलिए नहीं लिखे, और फिर भी एक बार लिख दीजिए। एक और आपको जानना है ln, इसको log mn को ln ln mn भी लिख सकते थे। अगर log को आपको सॉरी ln को log में कन्वर्ट करना है तो आपको -2.303 से इंटू करना होता है, जैसे इंटू कर दोगे दिस ln विल कन्वर्ट इनटू log एंड देन दिस विल बी m इनटू n, एंड ये log का बेस क्या था 10, ठीक है। Actually this is not minus, this is only 2.30. चलो देखता हूँ, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार देख लूंगा, अगर कुछ दिक्कत हुआ इसमें तो व्हाट्सएप ग्रुप में चेंज करके बता दूंगा, या तो माइनस होगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूजन और नहीं होना चाहिए मेरे साथ। देखते हैं, देख अगर अंश में चेंज हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप में वापस से डाल दूंगा, ये याद रखना। तो ln mn इज इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट किए तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाइंग इट 2.303, तो ये ln किसमें कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10। ये अगर इसको बोलोगे सर ln क्या है, दिस इज आल्सो log बट यहाँ बेस कितना है e, e वाज एक्सपोनेंशियल व्हिच वाज एन इरेशनल नंबर पावर सॉरी इरेशनल नंबर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7, डिफरेंशिएशन वाले में बताया था वही वाला e, ln इज log बेस e। जैसे ही आप log बेस e को कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में you will have to multiply it with 2.303. तो खैर ये basics या chemistry में ज्यादा काम आएगा, physics में काम नहीं आना, but फिर भी चलो। देखो log में अगर कोई दो नंबर multiplied है तो you can just add them up separately, ठीक है, आप अलग अलग का log निकालिए और add कर सकते हैं, दोनों इज सेम। नेक्स्ट इज अगर दो divide में है, just find log of them separately and just subtract them, ठीक है। If one of them is in form of powers, the power will just be multiplied, ठीक है, and whole of the log is left as such, बाकी जो बचा उसको उसी तरह छोड़ देंगे and the power is multiplied in front, ठीक है। उसी तरह अगर आपको इसको 1/2 के फॉर्म में इसका यूज बहुत कम आना है, ना के बराबर, यू कैन क्रॉस इट अप बट फिर भी इंपॉर्टेंट, ना के बराबर लेकिन यूज आएगा, शायद गलती से कभी आ गया तो आ गया, ये तो नहीं आएगा। अगर आपको उसका बेस और log को बदलना हो तो आप इसको जस्ट रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/2 log a टू द बेस b, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये दोनों सेम हो जाए, देखो ध्यान रखना ये दोनों सेम, ये और ये सेम, ये 10 तो ये भी 10, आंसर इज ऑलवेज 1, ये दोनों सेम तो आंसर इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट log 1 इज 0, log 1 इज 0। अभी जरा कुछ लॉग्स का वैल्यू देखो, लॉग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, सबका बेस 10 है और सबका वैल्यू यहां लिख दिया, बट इतना याद करने का जरूरत नहीं, कर लिए तो बहुत अच्छा बट जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ इन 5 सॉरी 4 का, अगर ये 4 याद तो बाकी ऑल ऑफ देम यू कैन कैलकुलेट,
लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना जीरो उतना आंसर, दो जीरो दो आंसर, तीन जीरो तीन आंसर, एक जीरो एक आंसर, चार होता तो चार आंसर आता, ठीक है। तो बाकी एक से लेके नौ तक का टेंशन है, एक तो जीरो ही हो गया, बचा दो से लेकर नौ, उसका उपाय है उसमें बस चार याद रखिए और बाकी सब याद अपने आप हो जाएगा। अभी देखो log 5 is 0.699, it is approximately equal to 0.700, है ना। आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसका आंसर क्या है, इसको भूल जाओ थोड़ा समय के लिए, इसका आंसर क्या है ये वाला। तो देखो तो तीन चार सात, सात है और एक आठ, तो दो तीन पांच सात का आप आंसर ऐसे याद रखोगे, तीन चार सात एक आठ, तीन चार सात और उसमें एक और जोड़िए तो आठ, ठीक है। अच्छा इसके आगे सेकंड थर्ड डिजिट आप बोल सकते हो, थर्ड डिजिट आप बोल सकते हो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड डिजिट को सही आंसर डाले तो आपको आंसर मिल जाएगा किसी में भी। तो सेकंड डिजिट इज 0704, 0704, तो तीन चार सात और एक आठ, 0704 हो गया पूरा लॉग यार, तीन चार सात और एक आठ, तीन चार सात एक आठ, 0704, ठीक है। अब बोलो सर ठीक है आप ये तो चारों याद करा दिए, लॉग सिक्स का वैल्यू बताइए, हमको नहीं याद है। तो जरा देखो ना लॉग सिक्स इज व्हाट, लॉग टू इंटू थ्री, इसको लिख सकते हैं लॉग टू प्लस लॉग थ्री, यहां से एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे ऐसे लिखेंगे। देखो तो दूसरा पाला है और तीसरा उसके बाद है, 0.0 यहां 0.0 सॉरी तीन चार सात एक आठ ना, सॉरी सॉरी तीन और यहाँ चार, पहला डिजिट हो गया उसके बाद 0704 जो भी हो इतने में ही जोड़ दो ना बस, सात चार तीन सात, 0.77 किसका, लॉग सिक्स, लॉग सिक्स 0.77 हो गया, हो गया ठीक है। उसी तरह मान लो कोई पूछ दिया लॉग एट, तो इधर लिखता हूं मैं, पूछ दिया लॉग एट, लॉग एट, तो लॉग एट इज व्हाट, लॉग टू का क्यूब, लॉग टू का क्यूब इसी में तीन बाहर आ जाएगा इस वाले रूल से, एन बाहर आ गया तो तीन बाहर इंटू लॉग टू, लॉग टू क्या है तीन इंटू तीन चार सात ना, 0.3 और जीरो, 0.90 है ना, तीन जीरो, हाँ लॉग एट 0.90 हो गया, समझे। उसी तरह कोई पूछ दिया लॉग फोर, तो यहाँ टू का पावर टू, उसी तरह कोई पूछ दिया लॉग नाइन, तीन का पावर तीन, दैट्स इट, इतना सिंपल है ठीक है। तो बेसिक मैथ्स यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो जो थोड़ा सा बात हम लोग किए थे उसको देख लेंगे ठीक है। जैसे हम लोग बोले थे कि यूनिट एंड डायमेंशन में जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी प्रिसीजन और उसमें एक और लीस्ट काउंट, तो ये सब टर्म्स को, अच्छा उसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के लिए मैंने आपको एक वीडियो भेजा है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही यूनिट एंड डायमेंशन का वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज वाला पार्ट आपको ज्यादा समझ में से आएगा, ज्यादा कि आपको याद हो जाएगा, इतना अच्छा वो वीडियो है जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट, जब एक्चुअली में वो इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे समझेंगे तो तुरंत ही जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, तो वो देखते हैं। और इसमें कोई एग्जांपल की जरूरत आपको लगता है, चलो एक और कर लेते हैं ठीक है, एक और कर देते हैं बस, फटाफट से नोट करो, इसको मिटा रहे हैं। मान लो किसी ने आपसे पूछा लॉग 35 का वैल्यू बताइए, देखिए आपको हमेशा ही सिंपल आएगा जो इस फॉर्मूले पे ब्रेक हो जाए, क्योंकि आपको लॉग टेबल ना तो देने वाला है या फिर ना ही एंटी लॉग बताने वाला है, तो आपको सिंपली यही करना होगा, सीधा इसी रूल पे ब्रेक करना है। लॉग 35 को लिख सकते हो लॉग 7 इंटू 5, जैसे ही ऐसा लिखे यू कैन ब्रेक इन टू लॉग 7 प्लस लॉग 5, लॉग 7 और लॉग 5, लॉग 7 इज 0.84 एंड लॉग 5 इज 0.69, सिंपली एडिट 9 10 दिन 13 13 अंत में सिले 8 10 14 15 ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिंपली बन जाएगा ठीक है, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं आज के लिए।